अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मोटी मिर्ची का अचार। मोटी मिर्ची के अचार के लिए मैं ली हूँ 1.25 किलो मिर्ची और इसको धो ली और कॉटन के कपड़े में रख के पंखे के नीचे इसको अच्छे से सुखा ली। सूखने के बाद इसको बीज से स्लिट कर ली। बीज से स्लिट करके इसके बीजों को निकाल देना। जो बीजा है वो बीजा नहीं खाना, सेहत के लिए ख़राब रहती है। और 2-3 मिर्चियाँ मैं रखी आपको बताने के लिए। इसको पहले अच्छे से साफ धो ली, धोने के बाद कॉटन के कपड़े से अच्छे से सुखा ली और पंखे के नीचे थोड़ी देर छोड़ दी। और 2 मिर्चियों को मैं रखी आपको बताने के लिए। ऐसा बीज से इसको स्लिट कर लेंगे। स्लिट करने के बाद इसमें जो बीज रहते वो बीजों को निकाल देना। इसके जो डंडियाँ रहते, जो डेट रहती वो भी निकाल देना, धुन ये ऊपर जो डंडी रहती हो। और इसके बीजों को अच्छे से साफ कर लेना। इस तरह से सारे मिर्चों को इस तरह से बीजों को निकाल लेना। अब इसको क्या करेंगे, ये बड़े एक साइज, ये मिर्ची का साइज बड़ा है तो बीज में से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से सारे मिर्चों को कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मिर्ची और नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, मिर्चियों के बीच में थोड़ा थोड़ा भर देंगे और मिर्ची में अच्छा टेस्ट आता, कसालापना नहीं आता। नमक डालने के बाद मिर्चियों का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक और हल्दी को इसके बीच में भर लेंगे। इस तरह से सारे मिर्चों में नमक और हल्दी को लगा लेंगे। सारे मिर्चों में नमक और थोड़ी सी हल्दी, जो नमक था भर दी। 15 से 20 लेंगे हरी मिर्ची, तेज मिर्ची है ये मिर्ची फिक्की है तो इसको मसाला देने के लिए अक्सर लोग लाल मिर्ची डाल के भी बनाते, हरी मिर्ची से ही बना सकते। हरी 15 से 20 हरी मिर्ची तेज और एक बड़ा डल्ला लहसुन का, इन दोनों को मिला के पेस्ट बना लेंगे। अचार के मसाले के लिए मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून है राई और थोड़ी सी है मेथी पौ चाय का चम्मच और हाफ चाय का चम्मच है ये कलौंजी। कलौंजी को इसमें डालेंगे, भुनेंगे, पीसेंगे नहीं, अलग से बाद में डालेंगे, काला बनाता। उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इसका कच्चापन जाना। मसाले जो कच्चे रहते हैं उसमें मॉइस्चर रहता, उसमें पानी रहता, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता तो वो सुखा लेना, अच्छे से सुखा लेना। फ्लेम को धीमा कर देना, पैन पहले अच्छा गर्म होने के बाद फ्लेम को धीमा करके धीमे फ्लेम पे आहिस्ता से इसको भून लेंगे। जो मसालों में कच्चापन रहता उसका कच्चापन जाना। और इससे भुनने से क्या होता है, इसकी खुशबू भी डबल हो जाती। जो आमतौर पर जो मसाले बाहर भुने के रहते हैं उसमें उतनी खुशबू नहीं दिखती, जब जैसा हम भुनना शुरू करते हैं तो इसमें खुशबू डबल हो जाती है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मैं अच्छे से पीस ली। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून है हल्दी और कलौंजी पीसते वक्त नहीं डाली थी मैं, बाद में डालने के लिए। मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, एक कढ़ाई रख दी मैं। कढ़ाई में डाली 1 कप ऑयल, मैं 200 ग्राम के करीब है ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के राई। राई को थोड़ा सा तड़कने देंगे। राई हमारी अच्छे से तड़क गई और ऑयल पे अच्छे से गर्म हो गया तो थोड़ी देर रुक जाएंगे, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा नॉर्मल होना। अब थोड़ी देर में रुक गई। अब इसमें डालेंगे करिया पत्ता, और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। और फ्लेम को तो मैं बंद ही रखी, फ्लेम को बंद ही रखना।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब कुछ सेकंड इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे। अब इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले डालने के बाद अब क्या करेंगे, चूल्हे को फिर से लगा लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद इसको अच्छा मिला लेंगे। थोड़ा फ्लेम को धीमा करके इसको अच्छा फ्राई होने देंगे, मसालों के साथ पका देंगे। हरी मिर्ची थोड़ा फ्राई हो जाना, एक दो तीन मिनट इसको भी फ्राई होने दें। अब इसमें डालेंगे एक कप के करीब है ये विनेगर, चाहे तो आप इसकी जगह लेमन भी डाल सकते हैं। विनेगर डालने के बाद फ्लेम को मैं थोड़ा तेज़ कर ली। अब विनेगर डालने के बाद कुछ सेकंडों के लिए मैं इसको तेज़ करी थी, अब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया, तो फ्लेम को धीमा कर देंगे। विनेगर में इसको अच्छे से पकाना है, फ्लेम को धीमा करके एक 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे इसमें विनेगर में मसालों में मिर्ची को पकने देंगे, ढाँप देंगे, ढाँप के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच पर चाहे तो आप एक से दो बार इसको मिला सकते हैं। चलिए मैं इसको धीमे पे 10 मिनट के लिए रखी थी, 10 मिनट हो गया और फ्लेम को बंद कर दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही इसमें से, और जो विनेगर डाले हम उसकी खटास। अब इसमें जो विनेगर डाली मैं उसका मेजरमेंट है 3 टेबलस्पून भर के, 3 टेबलस्पून भर के डाली में। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त खट्टे खट्टे होते हैं हरी मिर्ची, और इसका अचार भी बहुत खट्टा है, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर बनाइए। अब इसको मैं डिश में निकाल के बताऊंगी। और कांच के एयर कंटेनर में आप इसको रख सकते हो, ख़राब ना होता, महीना भर भी आप इसको रख के खा सकते हो। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसके जो मिर्चें खट्टे हो गए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप इसको पूरी के साथ, पराठों के साथ, राइस के साथ, गरम गरम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।